कार्य करेगा तब ना सपना देखेगा, तब ना सपना पूरा करेगा। ये बात तो सही है, पिछड़े वर्ग में से जो खास करके SC ST OBC जो है, इस वर्ग में से मौका नहीं मिलता है। और इस वर्ग में से अगर जीतनराम मांझी जी अगर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या मुलायम सिंह जी बन सकते हैं, या लालू प्रसाद जी बन सकते हैं, या बहन मायावती जी बन सकते हैं, तो निषाद मल्ला का बेटा क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि हमारे इस देश में एक अच्छा आबादी है, खास करके यूपी बिहार में तो 15% से अधिक हमारे पास आबादी है, और हमारे पास लोग जागरूक भी होते जा रहा है, तो आने वाले समय में काम करेंगे तो क्यों नहीं बन सकते? तो यही हमारे लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि जब तक आप और जिस समाज से मुख्यमंत्री बने हैं या बड़े पद पे गए हैं, तो उस समाज का भला हुआ है। आज जैसे अंबेडकर साहब ने एक अच्छे जगह पे पहुंचे, तो देश में खास करके दलित के लिए, महादलित के लिए, खास करके आदिवासी के लिए बहुत कुछ किए, ओबीसी के लिए बहुत कुछ किए। जब उस जगह पे पहुंचेंगे तब कुछ करेंगे। वैसे लालू प्रसाद जी भी जब पहुंचे तो उन्होंने भी अपने अनुकूल जितना हो सकता था उतना अच्छा काम किया। नीतीश कुमार जी पहुंचे तो खास करके पिछड़ा समाज के लिए जो हो सकता था उन्होंने किया। तो जब भी इस वर्ग से लोग पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर पूरे समाज के लिए कुछ करेंगे। आज देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आज वहाँ पे फूलन देवी जी के माला प्रतिमा पे एक माला चढ़ाने के लिए नहीं दे रहे। पिछली बार मैं गया था माल्यार्पण करने के लिए, तो आपको पता होगा कि हमें बनारस के एयरपोर्ट से भेज दिया गया डायरेक्ट बंगाल। अगर वहाँ पे अगर निषाद समाज का बेटा अगर मुख्यमंत्री होता, या ओबीसी समाज से होता, या SC का होता, तो ऐसा जुल्म नहीं करते। एक फूलन देवी के ऊपर प्रतिमा पे माला चढ़ाने के लिए देते। तो जिस निश्चित तौर पर भेदभाव है, जब हम इंसान थे तो कोई भेदभाव नहीं था, जब हम जाति में बट गए तब जाति के बीच में आने के बाद वो भेदभाव हो गया। जिस जाति के जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करते हैं। आज मैं भी निषाद कुल में जन्म लिया, इसलिए आज निषाद समाज की बात कर रहा हूँ, उनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो उस समाज के लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर यही मैं अगर कुछ दूसरे जाति में जन्म लेता, सामान्य वर्ग में हो जाता, तो मैं इस समाज के बारे में ज्यादा नहीं बोलता। जो समाज सामान्य वर्ग में जो लोग हैं तो वो ज्यादा ज्यादा सामान्य वर्ग के लिए बोलते हैं। तो इसलिए जब से हम इंसान से जाति में बदल गए, तो निश्चित तौर पर उस जाति को मौका मिलना चाहिए। और हम तो अभी भी आपके माध्यम से भी आह्वान करेंगे, जब सब कोई बन सकता है तो निषाद मल्ला का बेटा भी बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है, जरूरी है। उसके लिए काम करना, और काम करने के लिए रास्ते पर हम लोग काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज है, आप लगातार मुजफ्फरपुर पर ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या मुजफ्फरपुर को लेकर जो चर्चा है कि मुकेश सहनी जो है अगले इलेक्शन में दावेदारी ठोक सकते हैं? देखिए, ये आज से मैं मुजफ्फरपुर में नहीं हूँ, उत्तर बिहार के राजधानी मुजफ्फरपुर, निषाद के राजधानी पूरे बिहार का मुजफ्फरपुर है, और मैं हमेशा से मुजफ्फरपुर पे एक्टिव रहा, मुजफ्फरपुर के लिए बहुत सारा काम किया, और हमेशा काम करने का इच्छा रखता हूँ। और मेरा 40वें लोकसभा सीट पर नज़र है, उत्तर प्रदेश के 75 लोकसभा पे सीट पर नज़र है, 87 लोकसभा पे हमारी नज़र है, झारखंड के 14 लोकसभा पे भी नज़र है। और विशेष जब उत्तर मैं बोला पूरे बिहार के निषाद की राजधानी मुजफ्फरपुर है, तो निश्चित तौर पर मुजफ्फरपुर पर भी ध्यान है। और आने वाला समय जब आएगा तो निश्चित तौर पर हमारी गठबंधन, हमारी पार्टी चुनाव लड़ेंगे, बड़े संख्या में लड़ेंगे। समय आएगा, गठबंधन किससे होना है, कैसे होना है, कौन सीट किस पे लड़ाएंगे, उस समय आएगा तो आप लोगों के बीच में रखेंगे। हमारी तैयारी पूरे 40 का 40 लोकसभा पे है। बीते दिनों बिहार के मजदूरों का, बिहार के श्रमिकों का जो मुद्दा है वो नेशनल मीडिया तक, अखबारों में, टीवी में, डिजिटल मीडिया सब में छाया रहा है, और इसको लेकर बिहार के 4 यूट्यूबरों पर शिकंजा कसा गया है, और केस वगैरह हुआ है, FIR हुआ है, पुलिस कई लोगों को ढूंढ भी रही है। जी, आप खुद एक बिहारी श्रमिक रहे हैं, आपने बिहार में, बिहार से बाहर मुंबई में अपनी पहचान बनाई, फिल्मी दुनिया में जाकर जो है एक अपने आप का, अब आप यहाँ पहुँचे हैं, राजनीति में अब पहुँच गए हैं, लेकिन आपकी शुरुआत भी बिहार के एक श्रमिक के तौर पर हुई थी, तो किस तरीके से देख रहे हैं तमिलनाडु में जो प्रकरण हुआ है, फर्जी वीडियो की बात जो है वो सरकार कह रही है? नहीं, जो आप बात खुद ही कह रहे हैं कि फर्जी वीडियो है, पुष्टि भी हो चुका है कि कुछ वीडियो जो है फर्जी बनाया गया, तो निश्चित तौर पर अगर कुछ वीडियो अगर फर्जी बनाया गया और एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में तनाव अगर किया गया, फैलाने का कोशिश अगर कोई किया, तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और ये सही नहीं है कि ये भारत एक पूरा भारत जो है एक हमारा अंग है, और सब एक दूसरे को भाईचारा में हम लोगों को रहना चाहिए। ये बात सही नहीं है कि आज हमारे राज्य में रोजगार नहीं मिल रहा है, इसके कारण दूसरे राज्य में जा रहे हैं, तो हमारे राज्य के नेता हो या जनप्रतिनिधि हो या तमाम सभी लोगों को विचार करना चाहिए कि बिहार के लोगों को बिहार में कैसे रोजगार मिले, इस पर हम सबको काम करना। उसके बावजूद भी हम किसी को रोक नहीं सकते, जिनको जहाँ मर्जी होगा वहाँ पर जाके काम करेंगे, और वो काम कर रहे हैं, और वहाँ पे छोटा मोटा इशू होता है, घर से जब आप बाहर जाएंगे छोटे मोटे इशू का सामना आपको करना पड़ता है, तो उस चीज़ को हमने भी मुंबई में झेला है, और उसके साथ साथ भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है। ठीक है, तो हर जिस राज्य में हम जा रहे हैं काम करने के लिए, हमारा भी फर्ज बनता है उस राज्य का सम्मान करें, और वहाँ पे उस राज्य के जो स्थानीय लोग हैं उनका भी कोशिश होना चाहिए कि बाहर के जो लोग आए उनको सम्मान दें। नहीं, उसी में कुछ 1-2% ऐसे लोग होते हैं जो गलत होते हैं, वो किसी को परेशान करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं वो दूसरे राज्य से लोग जो आते हैं उनको सम्मान हमेशा करते आए हैं। और इसी के लेके भारत में आज देखिएगा बहुत बड़ा कहीं तनाव कभी देखने के लिए नहीं मिलता है। और रहा कि हम लोगों को कुछ ऐसा कुछ करें बिहार में कि बिहार से बिहारी बाहर ना जाए, और जो फर्जी वीडियो चलाया अगर ये पुष्टि हो चुका है, बहुत हद तक पुष्टि भी हो चुका है, लोगों ने मान भी लिया कि हमने इसको इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाया है, तो ऐसे समय पर इसको ऐसा नहीं बनाना चाहिए, और जाँच का विषय है, जाँच सरकार की तरफ से अधिकारी कर रहे हैं, और जो सही होगा वो